हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आरएस अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 3C, और इस चैप्टर के अंदर टोटल फैक्टराइजेशन होती है, तो वो फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वही आगे बढ़ाते हुए हमें इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। देख करके घबराइए वहीं नहीं कि भाई एक्स स्क्वेयर जो है वो पावर जो मतलब जो एक्स स्क्वेयर है वो नेगेटिव आ गया है, तो हमें उसे पहले पॉजिटिव बनाना होगा ताकि हम इसको अपना जो पहले वाले रूप के अंदर इसे कर सके। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है करना। आप देखिए कि सीधा से है कि हम कॉमन निकाल लेंगे, तो इसको दोबारा से एक बार तरीके से लिखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन हम जो है स्टार्ट करते हैं और फिर इसको करते हैं और फिर इसको साथ के साथ लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो आपको मिला हुआ है आप कॉमन निकाल लेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे 6 - x - x² और माइनस कॉमन लेने के बाद आपको लिखना है जो माइनस वाले टर्म है जो कि ये दोनों है, ये हो जाएगी प्लस, क्योंकि आप यही लिखने के आदि है कि आप करते हैं पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म और फिर एक्स वाई टर्म और फिर कांस्टेंट। तो ये दोनों जो माइनस के थे तो वो दोनों प्लस के हो गए, और जो प्लस का है माइनस कॉमन लेने की बजाय की वजह से माइनस का हो जाएगा, तो आपको ये मिल जाता है। अब बताइए आप इसे कर सकते हैं, है ना, ये पहले वालों का जैसा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके, तो फिर एक बार आप इसको माइनस को भूल जाइए और आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू आपको मिलती है माइनस की 6। ए सी की वैल्यू जब आप देखते हैं तो क्या आती है, ए सी इक्वल टू 1 - -6, मिला आपको माइनस का 6। इज दैट क्लियर। माइनस का 6 मिलने के बाद आपको निकालने हैं फैक्टराइजेशन के लिए, इसके टुकड़े को निकालने हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, आपको पता है 6 इजल टू होता है 1 - 6, 2 - 3, ये 4 ही इसके फैक्टर्स होते हैं। अब कौन से जो पेयर के अंदर आपको 1 मिल रहा है, क्योंकि जो बी की वैल्यू है वो 1 है, राइट, तो वो है ये वाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि माइनस का निशान आया ना, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलना चाहिए बी की वैल्यू और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलना चाहिए ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू जो कि माइनस की 6 है। तो हम क्या करेंगे ऐसा करने के लिए कि भाई माइनस की 6 मिले, और हमें समझ में आ रहा है ना, इसके लिए हमें जो निशान इसके दोनों के सब्ट्रैक्शन के इसमें दोनों के निशान अलग अलग होते हैं, तो एक निशान प्लस का रखेंगे और एक निशान माइनस का रखेंगे। तो उस चीज़ को समझने के लिए देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर फिलहाल पॉजिटिव है, तो इसलिए बड़ी वैल्यू का निशान प्लस का रखना है और जो दूसरी वैल्यू है उसका निशान माइनस का रखना है। तो इसके टुकड़े करते हैं तो आपको मिलते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस में 3x माइनस का 2x माइनस का 6। सोल्व करने पर आपको ये इसको आपको वापस ये मिल रहा है, और 1 है यहाँ पर 1 - -6, आपको माइनस का 6 मिल रहा है जो कि ए सी की वैल्यू है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, दैट्स इट। अब आपको निकालना है जो कॉमन, जो भी कॉमन इसमें निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है वो देखते हैं कौन सा है। इन दोनों में निकल रहा है एक्स कॉमन, और इन दोनों में निकल रहा है एक तो माइनस और एक ये 2, ये जो है कॉमन निकल रहा है। तो माइनस का 2 हम कॉमन निकालेंगे। आप देखेंगे कि एक्स कॉमन निकालने पर तो जो कॉमन निकाला है उसी से हम दोनों ही टर्मों को माइनस कर देंगे। माइनस 2 कॉमन निकाला तो माइनस 2x और माइनस का 6, इन दोनों के अंदर से माइनस का 2 जो है हमें डेनोमिनेटर में लिखना है। बोलिए क्लियर है या नहीं है। और अगर ऐसे ना लिखे तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि माइनस का 2x बाय में माइनस का 2, और माइनस का 6 था तो बाय में माइनस का 2। बात एक ही है, चाहे यहाँ माइनस करके इधर प्लस कर दीजिए या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो कॉमन है वो हम काट देंगे, मतलब जो दोनों में ऊपर और नीचे में आ रहे हैं। तो यहाँ एक्स जो है कट रहा है, यहाँ माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, इस माइनस से माइनस कट गया, प्लस का हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा,
तो आपको मिला x, और यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर से x हट गया तो एक x बचता है, और यहाँ बचा प्लस का 3। दूसरी ब्रैकेट के अंदर जब आप देखें तो आपको x मिला है एक तो, और एक ये प्लस हो चुका है, और ये 3 बचा है, तो x प्लस 3 ही बचा है, दोनों ही सेम है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। x प्लस 3 निकाला कॉमन, और इधर इसमें बचा x, और इसमें बचा माइनस का 2, तो ये कॉमन निकाल दिया। अब एक जो चीज़ है वो क्या है, माइनस का निशान की है जो यहाँ पर हमें लगाना था। इस माइनस के निशान के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप माइनस लास्ट में लिख देंगे। आपको दोबारा से लिखना है इसके आंसर को, वो होगा क्या कि 6 माइनस एक्स स्क्वेयर इजकल टू माइनस एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, क्योंकि इसको माइनस कॉमन निकालने पर तो आपको मिल गया था ये वाली चीज़। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ कि इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो आपने लिखा था कि क्वेश्चन के बाद में आपको लिखना है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स माइनस का 6, और जो आपने निकाली वैल्यू वो आप रख देंगे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। कॉमन आपने माइनस निकाला था, माइनस कॉमन निकालने के बाद आपको जो है यहाँ पर या तो इसको दोनों को माइनस कर दो या फिर इसको पलट दो, किसी एक को कर सकते हो आप, तो इसके अलग अलग आंसर दो बच्चों के अलग अलग हो सकते हैं। तो इसे 2 माइनस एक्स लिख दीजिए, या फिर माइनस भारी रहने दीजिए, या फिर ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर। तो जो ये आंसर निकला था, अगर मान लिया कि ये वाली वैल्यू रहती सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो ये वाला आंसर ओके होता, लेकिन हमें तो ये वाला चीज़ मिली हुई है ना, तो आपका आंसर ये वाला होगा। इज़ दैट क्लियर। तो फिर अब आपको समझ में आ चुका है, तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है कमेंट, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं करना है शेयर, अगर आप कुछ अपने जो दोस्तों का फ़ायदा भी करना चाहते हो लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको और भी ज़्यादा फायदा हो सकेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।